साथियों जय हिंद। साथियों आज हम फिजिक्स टॉपिक में, फिजिक्स के अंतर्गत फ्रैक्शन जो हमारा टॉपिक चल रहा था, फ्रैक्शन, उसके दो तीन वीडियो हमारे लेक्चर्स लिए जा चुके हैं, उसको आप देख लीजिए और उसको देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में जा करके, फिजिक्स के अंतर्गत प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। साथियों और बहुत से हमारे लेक्चर पड़े हैं, 10 कदम सीरीज चल रही है और बहुत से हैं, आप मेरा चैनल में जा करके, कलीवर अड्डा में जा करके उसको देख लीजिए। उसके बाद ये फ्रैक्शन का हमारा टॉपिक आगे जो है वो देखिए। आज हम दोस्तों चर्चा चले करेंगे आनत तल पर घर्षण, आनत तल पर घर्षण। इसके पहले हमने आपको बता दिया था घर्षण का मतलब क्या होता है, घर्षण की परिभाषा क्या होती है, घर्षण कितने प्रकार का होता है, घर्षण कोण क्या होता है, घर्षण किस 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 पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसके उदाहरण क्या हैं, ये सब हमारे प्लेलिस्ट में दिया है, लेक्चर्स में पिछले लेक्चर्स हैं उनको आप देख लीजिए, तब ये आगे और समझ में आएगा। अच्छा, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, फ्रिक्शन एट इंक्लाइन या इंक्लाइंड प्लेन। कोई प्लेन जो कोई आनत तल है, मान लीजिए यहाँ ऐसे है, यहाँ पे फ्रिक्शन निकालना है, यहाँ पे कोई गुटका रखा है, कोई वस्तु है आपकी, तो ये जो भार है इसका mg, और सीधा ना कार करके वैसे इसके दो घटक हो जाएंगे, ये प्रतिक्रिया बल इसको ऐसे वर्क करेगा, ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये हो जाएगा आपका mg cos अल्फा, और एक ये घटक इधर वर्क करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये क्षैतिज डायरेक्शन में है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा mg sin अल्फा। ये आपका फोर्स ऑफ रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स ऑफ रिएक्शन वर्क करेगा। तो आना तल पे क्या होता है, तो ये इधर को लगेगा फ्रिक्शन, इसको रोकेगा जब तक गति नहीं कर रहा, तो एफ एस इधर वर्क करेगा और इधर को ये फिसलने कोशिश करेगा। ये तो दोस्तों आना तल पे क्या हो जाता है, झुकाव दो, एक एंगल ऐसा होता है, ये आनत तल का झुकाव, ऐसे कोण पर झुकाव जब क्या होता है, जब तक ये एंगल क्या होता है इसके, जब इसके बराबर हो जाता है लगभग, तो क्या करता है ये पिंड जो होता है या गुटका कोई है, वो अपने भार के कारण फिसलना शुरू कर देता है, तो वो जब फिसलना शुरू कर देता है तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, तो फोर्स वर्क करने लगता है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये और ये एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, और ये इसका जो गति के कारण इसमें mg साइन अल्फा और जो एक्सीलरेशन से फोर्स होगा, ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे, या इनका रिजल्टेंट दोनों का किसके बराबर हो जाएगा, जो फोर्स उत्पन्न होगा इसके कारण, इसकी गति के कारण जो फोर्स वर्क करेगा ma, ये होता है एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो वास्तव में तो आनत तल पे क्या होता है, यदि कोई तल, मान लीजिए यदि कोई पिंड ऐसे तल पर रखा है, ऐसे तल पर रखा है जो क्षैतिज हॉरिजेंटल से, हॉरिजेंटल क्षैतिज से थीटा कोण पर झुका है, तो इसको ऐसा कोण जो होता है, मतलब ये जो अल्फा होता है जब इसके बराबर हो जाता है लगभग, मतलब ऐसे इस कोण का मान इतना हो जाए कि ये पिंड क्या करे, फिसलने लगे, तो उस स्थिति में जो एक कोण बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, विश्राम कोण कहते हैं। विश्राम कोण क्या होता है, आनत तल पे झुके, आनत तल पे झुके ऐसे ऐसे झुकाव को, आनत तल के ऐसे झुकाव को जिस पर कोई पिंड फिसलना शुरू कर देता है, उस कोण को हम क्या कहते हैं, विश्राम कोण या एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, ये अक्सर इसके बराबर हो जाता है।
तो एंगल ऑफ रिपोज होता है, झुका है। तो ऐसी स्थिति में भार के दो घटक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में भार के दो अवयव हो जाते हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए ये एम जी वर्क करेगा, ये मतलब अल्फा, तो यहाँ पे एम जी कास अल्फा हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये पूरा 90 होता है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा इतना एंगल, तो कास 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम जी साइन अल्फा। इस प्रकार से एक घटक इसका जो होता है ऊर्ध्वाधर वाला जो परपेंडिकुलर घटक है इसका, वो हो जाता है एम जी साइन अल्फा, और ये एम जी कास अल्फा जिसके अपोजिट में फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ नॉर्मल वर्क करता है, प्रतिक्रिया बल अवक्रिया प्रतिक्रिया अवक्रिया बल जो होता है आपका वो वर्क करता है। तो इस स्थिति में क्या हो जाता है, इस स्थिति में आर इज इक्वल टू हो जाता है आपका एम जी कास अल्फा हो जाता है, ये आपका एम जी कास हो, ये थीटा है, ये एम जी कास अल्फा हो जाएगा, और आपका ये फोर्स जो होता है एम जी साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू एफ एस के रहेगा, इसके बराबर रहेगा, और एफ एस इज इक्वल टू आप जानते हैं एफ एस इज इक्वल टू क्या बताया था आपको, म्यू एस आर होता है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखेंगे इसकी तो एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा म्यू एस आर, तो इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी म्यू एस, यहाँ हो जाएगा एम जी कास अल्फा, एम जी कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आए तो साइन अल्फा अपान कास अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एस, म्यू एस को क्या होता है, ये घर्षण कोण होता है टैन थीटा होता है, ये टैन थीटा हो जाएगा, तो टैन अल्फा बराबर क्या हो जाता है टैन थीटा, यही एंगल ऑफ रिपोज होता है। एंगल ऑफ रिपोज हमेशा क्या होता है, जब इसके बराबर हो जाता है तो पिंड फिसलना शुरू कर देता है, जब पिंड में गति हो जाती है, जब पिंड गति करना शुरू कर दे तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा उसमें, गति धीरे होगी ढाल होता जाएगा तेज होती जाएगी, जब गति में परिवर्तन हो जाएगा पिंड के तो उसमें एक्सीलरेशन त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, एक्सीलरेशन तो किसके बराबर हो जाएगा, तो जब एक्सीलरेशन हो जाएगा उसमें तो बल कार्य करने लगेगा, जब बल बराबर एम ए होता एम उसका मास होगा ये एक्सीलरेशन हो जाएगा, तब यदि त्वरण ए उत्पन्न हो, त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन ए उत्पन्न हो तो क्या हो जाता, तो एम जी साइन अल्फा और ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल टू एम ए, ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होते हैं फार्मूला लगाने में। तो दो वर्क आना तल में जब भी कोई पिंड आपको इंक्लाइंड प्लेन पे रखा होगा तो ये फार्मूला लगेगा, अगर उसमें मोशन उत्पन्न हो जाती है, जब मोशन हो जाती है तो इसमें क्या होता है, ये जब ये मोशन हो जाते हैं तो एफ एस की जगह क्या हो जाएगा एफ के हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे वो आप गति हो जाएगी तो कनेटिक हो जाएगा, तो उसमें गति घर्षण उत्पन्न हो जाएगा, गति घर्षण एफ के से होता है, तो एम जी साइन अल्फा माइनस एफ के जो इक्वल टू एम ए, एम ए जो उसके त्वरण के कारण एक्सीलरेशन के कारण जो उसमें गति उत्पन्न होती है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं, तो ये एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर हो जाता है इसके, तो इसका मतलब है जब भी आनत तल पे कोई वस्तु रखी होती है और क्या होता है, तो ऐसे कोण पे झुकाव, ऐसा इतना झुकाव आनत तल का इतना झुकाव होता है जिस झुकाव पर पिंड फिसलना शुरू कर देता है, तो जो पिंड एक कोण बनाता है भार से, अपने भार से भार के जो घटक हो जाते हैं जो पिंड का कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम कोण कहते हैं।
जिस कोण पे आना तल पे रखे पिंड, पिंड आना तल पे रखा पिंड जिस कोण पे फिसलना शुरू कर देता है उसे हम पिंड का विश्राम कोण कहते हैं। ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं, विश्राम कोण, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या हो जाएगा, आनत तल पर रखा पिंड जिस झुकाव पर फिसलना शुरू कर देता है विश्राम कोण कहलाता है। टैन थीटा इज इक्वल टू टैन अल्फा हो जाता है आपका। तो ये एंगल ऑफ रिपोज निकलता है। एंगल ऑफ रिपोज वास्तव में क्या होता, ऑन विच इंक्लाइंड एंगल एनी बॉडी स्टार्टेड टू मूव ऑन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन एनी बॉडी आर थिंग्स स्टार्टेड टू मूव, तो दैट एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज। जिस एंगल पे, ऑन विच एंगल एनी बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टेड टू मूव, स्टार्टेड टू स्लाइड, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिपोज, उसे एंगल ऑफ रिपोज या विश्राम कोण कहते हैं। तो अब हमको सब पता हो गया आपको, इसमें घर्षण में फ्रिक्शन क्या है हमने बता दिया था कि जब भी कोई दो लेयर्स होती हैं क्या होती, टच में आती हैं और उनके मध्य क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है, रिलेटिव मोशन होती है। तो आप तो एक बल, उसमें एक बल उत्पन्न होता है जो इनकी गति का विरोध करता है। तो गति का विरोध करने का गुण ही क्या कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है। और जो उसमें बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो हमने बताया था आपको कितने तीन प्रकार का होता फ्रिक्शन, एक तो स्थैतिक होता है, एक गतिक होता है, एक सीमांत घर्षण होता है। स्थैतिक जब वस्तुओं की विरामावस्था में जो घर्षण बल कार्य करता है, जब दो वस्तुएं या दो तल आपस में संपर्क में हो, विरामावस्था में हो, उस समय जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और जब वस्तुएं गति की अवस्था में जो कार्य करता है उसे हम गति घर्षण बल कहते हैं। और जब वस्तु गति, ना तो गति कर रही हो ना तो विराम में हो, गति करने की पोजीशन में आ जाए, उस अवस्था में जो घर्षण बल कार्य करता है उसे सीमांत घर्षण बल कहते हैं। वो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसके बाद वो स्थैतिक खत्म हो जाता है और गति प्रारंभ हो जाता है। तो बीच की अवस्था होती है सीमांत घर्षण बल। और आपको घर्षण कोण बताया था हमने, घर्षण कोण क्या होता हमने बताया था, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया बल R का जो रिजल्टेंट होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल से जो कोण बनाता है उसे हम घर्षण कोण कहते हैं। बताया था आपको घर्षण कोण क्या होता है, ये मान लीजिए एम जी है आपका, ये R है, ये सीमांत घर्षण बल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है आपका। तो ये आपका लग रहा है मान लीजिए यहाँ तक, तो ये R है, इसका रिजल्टेंट S है मान लीजिए, ये जो यहाँ से एंगल बनाता है ये घर्षण कोण होता है। तो आपको बताया जा चुका है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, Fs अपॉन R होता है। Fs क्या है, सीमांत घर्षण बल है। इससे न्यूमेरिकल बॉल लगाने को आते हैं, तो इस पोजीशन में R इज इक्वल टू हमेशा एम जी रहेगा, इसका वर्क करते हैं आप, और एफ एस इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, ये एफ एस जो होता है ये हमेशा किसके बराबर रहेगा, एफ एस भी इसका रिजल्टेंट होता है। मान लीजिए गति करने लगा तब तो आपका एफ एस इज इक्वल टू एम ए के बराबर हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इंक्लाइंड प्लेन में अगर है तो हमने बताया जब मोशन होगी तो ये लगेगा, इसका एक घटक हो जाएगा परपेंडिकुलर एम जी साइन अल्फा माइनस, जब गति करेगा तो एफ के में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस एफ के इज इक्वल टू एक्सीलरेशन के ड्यू टू जो मोशन हो जाएगा वो एम ए हो जाएगा। तो इन्हें एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर होता ही है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस आर होता है। ये फार्मूला और इस फार्मूले से ही पूरे न्यूमेरिकल इसके
आपके घर्षण के लग जाएंगे। कोई दिक्कत हो अब अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम टाइप ऑफ इसके फ्रैक्शन के जो न्यूमेरिकल हैं उस पर डिस्कस करेंगे। हर टाइप के न्यूमेरिकल आपको बता देंगे, और आपको कोई भी किसी प्रकार की न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे कैलिवर अड्डा के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए, हम न्यूमेरिकल आपको स्पेशल न्यूमेरिकल जो आपके भी हो घर्षण के या किसी के आप बताइएगा, हम आपको सॉल्व करके समझा करके बताएंगे, वैसे हम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बता देंगे इसके। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।